वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के जोश पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम बादी नोबल सैमुअल आपके खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। कैसा रहा जी आपका कल का दिन? उम्मीद करता हूँ कि आपने खुदा की इबादत की होगी, खुदा के घर में गए होंगे। हम अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। कल बहुत खूबसूरत इबादत थी, बल्कि इबादत थी। सुबह 10:30 बजे आपको मालूम है कि हम इंग्लिश में इबादत करते हैं और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने तमाम अजीजों के लिए जो कि खुदा के घर में आते हैं ताकि खुदा उनकी स्ताइश कर सकें, खुदा उनकी हमद और तारीफ कर सकें। मैं वेलकम कहना चाहता हूँ जिन तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो हम जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को हर सुबह 9 बजे आपके लिए लेकर आते हैं और लंदन बाइबल स्टूडियो से जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पाएंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों अजीजों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इबादत का हिस्सा बन सकें, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें और खुदा से बरकत हासिल कर सकें। ये आप मेरे साथ मिलकर इस मिनिस्ट्री को कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए। जब आप YouTube पे जाते हैं तो वहां पर इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाले जो वीडियो हैं उनको हम आप तक पहुंचा सकें। और इस माध्यम को जितना भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों अजीजों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो आइए खुदा के जिंदा पाक कलाम की तलावत करते हैं। ज़बूर 145 की चंद आयात में जो खुदा के पाक कलाम में से आपके लिए तलावत करूंगा। साम 145। आए मेरे खुदा, आए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुलबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुलबाद तेरे नाम की स्ताइश करूंगा। खुदा बुजुर्ग और बेहद स्ताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावन रहीमो करीम है, वो कह करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावन सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। आए खुदावन, सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदा उन गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सब की आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावन अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो उससे डरते और उनकी वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की साइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुलबाद मुबारक कहे। खुदावंद के
पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। बहुत ही खूबसूरत ये आयात खुदावन झुके हुए को उठा खड़ा करता है। खुदावन के झुकना इनकसारी फरोतनी की ये अलामत है, शिकस्तगी की अलामत है। खुदावन गिरते हुए को संभालता है। शायर ने बड़ी खूबसूरत ये बात कही है कि मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे, लेकिन मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे, लेकिन सोचता हूं कि आए थे उठाने कितने। खुदावन जो है वो हमें उठा खड़ा करता है। जब इंसान गिरता है कई लोग रुक जाते हैं, वो ये शायद गिर गया है, चलिए देखते हैं इसको, लेकिन उठाने वाले बहुत कम होते हैं। खुदावन जो है उसके बारे में हमें जानते हैं, गिरते हुओं को थाम लेना यीशु ये तेरा काम है। खुदावन हमें सेर और आसूदा करता है, अपनी मुट्ठी खोलता है, लिखा कि हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है, हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। जो खूबसूरत बात इसमें देख रहा हूं, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, खुदावन उनके करीब है। इस दुनिया में लोग अपनी मजहबी रियाजत से खुदावन के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदावन उनके करीब है जो उससे दुआ करते हैं। दुआ करना, खुदावन से बातें करना कितनी खूबसूरत बात है। खुदावन उनके करीब है जो उससे दुआ करते हैं। शायद हमने दुआ को कभी उसकी अहमियत को समझा नहीं, उसके बारे में सोचा नहीं। हम एक रवायती तौर पर शायद दुआ करते हैं, लेकिन खुदावन का कलाम सिखाता है जो सच्चाई से दुआ करते हैं। कल हम इस बात को सीख रहे थे कि खुदावन ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रू और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते हैं। खुदावन उन सबके करीब है जो सच्चाई से सच्चे दिल से दुआ करते हैं। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम दुआ करते हैं खुदावन मिन्नतों को दरख्वास्तों को सुनता कबूल करता और जवाब देता है। हम एक बार फिर उन तमाम बहनों भाइयों के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है सोशल मीडिया पर, बाइबल टीवी ग्लोबल पर, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आइए हम सब खुदावन के जुड़ चुके हैं, खुदावन से दुआ मांगे, जैसे कि अभी हमने खुदावन के पाक कलाम में से सीखा है कि खुदावन उन सब के करीब है जो खुदा से दुआ करते हैं, जो उससे मांगते हैं। मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आइए हम उसका दर खटखटाते हैं, उसके पास जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बाहें फैलाए हमें अपने पास आने का मौका बख्शता है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन तो कितना अजीम है, खुदावन तू हमसे प्यार करता है। खुदावन जब हम तुझसे दुआ करते हैं तो हमारी मिन्नतों को दरख्वास्तों को सुनता कबूल करता और जवाब देता है। इस वक्त है खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं रात के उस पहर के लिए जिसमें खुदावन तूने हमें संभाला, हमें मीठी नींद दी, सुबह की रोशनी दिखाई। खुदावन हम तेरे इस फजल के लिए, तेरे कर्म के लिए, तेरे तर्स के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और एक कदूस जिंदा पाक खुदा दरख्वास्त करते हैं कि आज का तमाम दिन तू हमारे साथ होना। तेरे खुदावन इन तमाम बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो कि खुदावन इस बात का हिस्सा है, सुबह सवेरे तेरे साथ रफाकत रखना चाहते हैं, सच्चाई से दुआ करते हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन तुम मुझ नाचीज के साथ होना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और प्यारे खुदावन जितने भी बहन भाई अपने घरों में जहां कहीं भी खुदावन दूर और नजदीक इस इबादत का हिस्सा है, उन सब पर तेरा दाना हाथ रहे, बड़ी बरकत दे। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन।
अजीज भाई, खुदावन की तारीफ करते हैं, खुदावन की स्ताइश करते हैं, क्योंकि सुबह सवेरे अपनी आवाज़ों को खुदावन के हुजूर बुलंद करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम हेस्टन नेशन यूनाइटेड फ्रॉम चर्च क्वायर के साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तुति करते हैं। Thank you.
का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। इस सारी हमदो सना के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, क्वायर के लिए और सारी इस खूबसूरत स्ताइश के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने सुबह सवेरे खुदा की इस हमदो सना से बरकत पाई होगी। आइए खुदा के जिंदा पाक कलाम की जानब बढ़ते हैं। आई एम वेरी डिलाइटेड, आई एम सो हैप्पी because we are going to start a new series today. जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमने इफिसियों के खत का मुतालिया किया था और खुदा के पजल से हमने उस खत को बड़े खूबसूरती के साथ सीखा। मेरे लिए खुद ये बहुत बड़ी बरकत की बात थी। और पिछले दिनों जब हम देख रहे थे कि हमने खुदा के जो पैराबल्स थी उनके बारे में सीखा, तमासील के बारे में, तो इन तमाम बातों को जब हम सीखते हैं तो देखिए ये छोटे कहते हैं ना, कचरे के तो दरिया बनता है, तो थोड़ा थोड़ा भी जब आप सीखते हैं तो वो चीजें आपके अंदर जो है वो जमा होती जाती हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बाइबल स्टडी के लिए। मुझे सिर्फ आपसे ये एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपनी नोटबुक को लें, अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, उसके साथ साथ ये है कि इस पेज को आप अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटिए। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ खुदावन में कि जब आप इस स्टडी को हमारे साथ मिलकर करना शुरू करेंगे तो आप रोजाना इस प्रोग्राम को देखा करेंगे, बरकत पाएंगे। तो जरूर आप इसको हमारे साथ देखिए। हमने एक अच्छा सब्जेक्ट जो है उसको चुना, मिशनरी जो जर्नी थी उसके बारे में हमने देखा कि मिशन क्या है, कैसे इस मिशन को अकम्प्लिश करना है और क्यों हमें खुदावन का ये काम जो है करना है, इसकी जो एक असाइनमेंट है हमारे लिए, एक पर्पज है हमारे लिए, उसको हमने कैसे पूरा करना है। तो पिछले पूरा वीक हमने इस पे बात की थी। आज हम अजीजों हम शुरू करेंगे फिलिपियों के खत को और इसके जो चार अबवाब हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इनको तकरीबन जो चार या पांच स्टडीज, इट्स ऑल डिपेंड कि कितना वक्त हम दे पाते हैं, क्योंकि जब खुदा का रूह हमारी रहनुमाई करता है तो फिर हम उसके कंट्रोल में होते हैं एंड गॉड इज लीडिंग अस। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस आइंदा आने वाले दिनों में इसी वीक में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं वर्स्ट वर्स्ट स्टडी तो नहीं दूंगा ना ये वर्ड्स, देखिए जब आप तफसीर करते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई गिफ्ट जो तफसीर का है काम है और मेरा जो थीसिस था, मैं पहले सोचता था गलतियों के खत को आपके साथ बांटूं क्योंकि दैट वाज माय थीसिस, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी अपनी भी थोड़ी सी इसमें दिलचस्पी थी कि फिलिपियों के खत को हम मुताला करें
तो नई चीजें फ्रेश माना, ताजा मन जो है वो खुदावंद हमें देना चाहता है। तो मैंने इस बात को दुआ में रखा, तो फिर फिलिपियों के खत को खुदावंद ने हम पर मुनकशिफ किया। खुदावंद चाहता है कि हम इसको सीखें। तो अजीजो अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, आप देखें कि पौलुस रसूल के जो 13 खतूत हैं नियादामा में, और ये जो खतूत हैं, हर खत जो है वो अपने अंदर बहुत गहरा भेद लिए हुए है। ये खतूत सिर्फ उस वक्त की कलीसियाओं के लिए नहीं थे, कच्चा ये फिलिपी की कलीसिया के लिए था, इफिसस की कलीसिया के लिए था, या ये कोरिन्थस की कलीसिया के लिए था। बिला शुबा उनको एड्रेस किया गया, दे वर द रेसिपिएंट ऑफ दीज लेटर्स, लेकिन ये जो पैगाम है ये आज भी हमारे लिए उसी तरह जो है खूबसूरत पैगाम है जैसे उन लोगों के लिए था, उन कलीसियाओं के लिए था। क्योंकि सारा जो कलाम है वो खुदा उनके इल्हाम से, इल्हाम का मतलब होता है, इला का मतलब है खुदा, हम खुदा की सांस से, उसके पाक रूह की तहरीक से लिखा गया, हमारी तालीम के लिए, हमारी नसीहत के लिए, हमारी असलाह के लिए। खुदा उनका पाक कलाम ही सिखाता है कि सारा कलाम जो है खुदा उनके इल्हाम से है, खुदा उनके मुंह की बातें हैं, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। तो ये भी मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर सो मेनी नॉन क्रिश्चियन दोज़ हू आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, सो इफ यू डोंट हैव बाइबल विद यू एंड यू वांट टू हैव दैट बाइबल, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, माई फोन नंबर इज व्हाट्सएप नंबर, जो कंट्री कोड है दैट इज 00447189928 24, दैट इज कंट्री कोड एंड माई व्हाट्सएप नंबर। If you want to send me an email, you can write down that email. Email hai nsamuel21@yahoo.com. Aur hamari website ko bhi aap visit kijiye www.bibletvglobal.com. Free app hai aapke mobile pe, Apple pe aur Android pe. Aap usko bhi download kar sakte hain and you can watch this channel 24/7. You don't have to buy any box and you don't need to pay monthly fee. It's a free app. बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐप के चार्ज करते हैं, लेकिन खुदावन ने हमें ये फजल बख्शा कि हम आपके लिए इस फ्री ऐप को तैयार कर पाए। तो आप 24/7 इस टीवी को अपने मोबाइल पे, अपने आईपैड पे, अपने मोबाइल पे और इसके अलावा कंप्यूटर पे आप इसको देख सकते हैं। अमेजोन की जो फायर स्टिक है उस पर भी ये मौजूद है, एप्पल टीवी पे है, फेसबुक और यूट्यूब नेचुरली ये जो माध्यम है, जादू बॉक्स पे है, बहुत सारे और बॉक्सेस हैं, गोल्ड बॉक्स है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है कि मैं तमाम बॉक्सेस के बारे में बता सकूं, लेकिन ये माध्यम जो है इसको, इस टीवी को आप देख सकते हैं, बरकत पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को अपने दोस्तों अजीजों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मजीद भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप जरूर मुझसे रब्ता कीजिएगा। तो आइए फिलिपियों के नाम पर खत उसका पहला बाब और उसकी पहली 11 आयात को खुदा उनके सुंदर पाक कलाम में से तिलावत करते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 1:1-11, खुदा उनका जिंदा पाक कलाम सुनिए। यह लिखा है, मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तिमोथियस की तरफ से फिलिपी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में है, निगेबानों और खादमों समेत हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूं तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूं और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूं हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूं, इसलिए कि तुम अवल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया क्या है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर रहे। चुनाचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदेही
और सबूत में तुम सब मेरे साथ पजल में शरीक हो। खुदा मेरा गवाह है कि मैं यीशु मसीह की सी उल्पत करके तुम सबका मुश्ताक हूं और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उन्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ, और रास्तबाजी के फल से जो मसीह यीशु के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहर हो और उसकी स्ताहिश की जाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। कदूस पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो कि तू हमारी मदद करता है। खुदा, हम गुजरन तमाम आयाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिनमें हमने तेरे कलाम को सीखा, सुना और समझा। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक रूह के लिए। और आज ये खुदा, जबकि हम एक नए सिलसिले पे शुरू कर रहे हैं, खुदा हम अपनी कमजोरी का, कम अकली का इकरार करते हैं, तेरी कुदरत पर, तेरी दानिश पर, तेरी हिकमत पर भरोसा करते हुए तेरे पास आते हैं और दुआ करते हैं खुदा कि तुम्हारी अकलों को रोशन कर और कलाम के इन गहरे भेदों को हम पर जाहिर कर। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। बहन भाइयों, आप जानते हैं कि ये जो खतूत हैं जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, ये किसी ना किसी कलीसिया को लिखे गए, और ये जो कलीसियाएं थी, पौलुस रसूल ने तीन बड़े विशारती सफर किए, एशिया कोच जिसको एशिया माइनर कहते हैं, जो मौजूदा तुर्की है, इसके अलावा जो उस वक्त का जो मैसेडोनिया का जो इलाका था, मकदूनिया जिसको कहा जाता है, और ये ग्रीक जो यूनान का जो इलाका है, वहां पर पौलुस रसूल गए और उन्होंने मुनादी की, खुदा की खिदमत की। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ पौलुस रसूल के लिए, उनकी खिदमत के लिए, उनकी कुर्बानी के लिए, जिन्होंने खुदा के लोगों के लिए ये सफर किए और उन्होंने खुदा के काम को खुदा की मर्जी के मुताबिक उन्होंने मुकम्मल किया। क्या दो बंद के सोखते बर्दाश्त की। इस खत का लिखने वाला बिला शुबा पौलुस रसूल है। सो देयर इज नो डाउट अबाउट द ऑथरशिप ऑफ दिस लेटर, बिकॉज एज दिस इज ओवर इंट्रोडक्शन टूडे, मैं कोशिश करूंगा कि वक्त बचे तो मैं उसमें इसकी तफसीर भी बयान करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज हम सिर्फ इसके जो तारफी जो एक बयान उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि ये जरूरी बात है। बहुत दफा आपने इस खत को पढ़ा होगा, इन आयात को पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपको उसके पस मंजर के बारे में पता ना हो, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पता ना हो। तो क्योंकि हम जब इन खतूत को पढ़ते हैं तो हमें जरूरी है कि हम उन कलीसियाओं के बारे में सीखें कि वो कलीसियाएं कैसी थी उस दौर में, क्यों ये खतूत जो है वो लिखे गए। तो पहली बात जो हम इसमें देखते हैं कि ये खत जो है ये किसने लिखा। ये पौलुस रसूल ने तहरीर किया, और जैसे मैंने कहा कि पौलुस रसूल जो है उसके 13 खतूत और उनमें से एक ये खत है। पौलुस रसूल उस वक्त जो कैद में थे जब उन्होंने इस खत को लिखा, और रोमन्स उस वक्त रूल कर रहे थे, ये उनकी कैद में थे, और पौलुस रसूल ने खत जो है ये कैद खाना में से जो है वो तहरीर किया। तो आप देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो इस बात का बयान भी करता है कि उनको अप्रिशिएट करता है कि मेरी कैद और खुशखबरी की जवाब दे सबूत में सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। तो वो इस बात का बयान करता है कि जो फिलिपी की कलीसिया है वो उसके साथ इस तमाम सिलसिले में शामिल हैं रूहानी तौर पर, और वो उनके लिए कैदोबंद की सोते जो है इंजील की खातर जो है वो बर्दाश्त कर रहा था, तो उसके बारे में पौलुस रसूल जो है वो तहरीर करते हैं। तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है उसके बारे में देखते हैं कि ये तकरीबन 53 से 55 AD
में ये इम्प्रिजनमेंट हुई और वो कैद में था, तो उसको सीजरिया में और इफिसस में उसको कैद में रखा गया और उन्होंने कूड़े खाने में सताए जाने में वो खुदा उनके साथ जो है वो वफादार रहे। तो जहां तक इसकी मुसन्नफ की बात है, ऑथरशिप की बात है, पौलुस रसूल इसके तहरीर करने वाले हैं और पहली आयत में जो मसीह यसु के बंदो पौलुस और तिमोथियुस की तरफ से फिलिप्पी के सब मुकदसों के नाम जो मसीह यसु में है निगेबानों और खातमों समेत। पुराने जमाने में जब खत जो तहरीर किए जाते थे तो जैसे कि आजकल हम जब खत लिखते हैं तो आखिर में हम लिखते हैं कि यूर सिंसियरली यू ट्रूली विद ग्रेट, मतलब जो भी ब्लेसिंग हम उनको देते हैं विद एवरी ब्लेसिंग। तो आजकल का जो खतूत लिखने का जो एक तरीकाकार है उसमें हम एंड में जो है वो नाम लिखते हैं, लेकिन अगर आपका लेटर हेड है और लेटर पैड पे आप लिख रहे हैं तो उसके ऊपर आप देखते हैं कि उस शख्स की अगर कोई कंपनी है, उसका कोई अदारा है, उसका नाम होता है, इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है और फिर आखिर में या उसके ऊपर भी उसका टाइटल वगैरह ये बाकी चीजें जो है वो लिखी होती हैं। तो उस दौर में जब खतूत तहरीर किए जाते थे तो शुरू में ही एक इंट्रोडक्शन जो है वो दिया जाता था और यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं कि इन इज इंट्रोडक्टरी एड्रेस, इन इज इंट्रोडक्टरी लेटर वो अपने बारे में और तिमोथियुस के बारे में लिखता है और फिर जो वहां पर जो बिशप थे उनको वो एड्रेस कर रहा है और निगेबानों और खादमों से मुराद वहां पर जो गांव के खादम थे जो अपोस थे उनको वो एड्रेस कर रहा है, डीकन जो थे जो खुदा के खादम थे उनको वो एड्रेस कर रहा है और सिर्फ एक नहीं वहां पर लिखा है निगेबानों और खादमों, इसलिए वहां पर किसी खास बिशप का नाम जो है वो नहीं लिखा गया बल्कि वहां पर बहुत सारे जो और भी लोग थे जो खुदा की खिदमत कर रहे थे उनको वो एड्रेस कर रहा है। ग्रीटिंग जो है बड़ी खूबसूरत है, हमारे बाप खुदा और मसीह की तरफ से तुम्हें फजल इतना हासिल होता रहे। तो जैसे हम देखते हैं कि ये पौलुस रसूल का एक तरीका था लिखने का खत पे, वो शुरू में ही खुदा उनके लोगों को जो है वो ग्रीट करता, उनको ब्लेस करता। अगर आपने याद हो इफिसियों के खत का जब मुताला किया था तो वहां पर पौलुस रसूल जो है इफिसियों के खत में पहले जो पहले जो बाप पहली आयात हैं उनमें अपनी अपोस्टलशिप के बारे में वो बताता है कि मैं जो मसीह यसु का रसूल हूँ और वो अपनी रसालत के बारे में जो है वो लोगों को कायल करता है। मैं आपको जल्दी से उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इफिसियों इसका पहला बाप उसकी पहली आयत पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यसु का रसूल है उन मुकदसों के नाम जो इफिसस में है और मसीह यसु में ईमानदार हैं, हमारे बाप खुदा और मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। सो दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ पॉल राइटिंग लेटर टू द चर्चेस इन द फर्स्ट सेंचुरी। तो उसने इस खत को इस तरीके से शुरू किया। अब दूसरी जो बात है उसके बारे में हम देखते हैं कि पौलुस जब कैद में था, दुख में था, परेशानी में था, he was in prison, so why he wrote this letter? उसको क्या जरूरत पड़ी कि वो इस खत को तहरीर करे? सो देयर आर फ्यू पर्पस बिहाइंड दैट। पहला जो उसका प्राइमरी जो पर्पस था राइटिंग दिस लेटर, इट वाज ग्रेटिट्यूड, है ना, हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। वो फिलिपींस को जो थे उनको उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था उनकी गिफ्ट के लिए जो कि उसको वो भेज रहे थे उसकी मिनिस्ट्री के लिए, उसके काम के लिए। इब्तदाई कलीसिया में वहां पर जब लोग खिदमत करते थे तो बहुत सारी कलीसियाएं जो थी दोज वर सेल्फ सफिशिएंट, जिनके पास वसाइल थे वो अपना रुपया पैसा देते थे ताकि खुदा की खिदमत जो है वो हो सके। बुनियादी तौर पर पौलुस जो थे उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो टेंट मेकर थे और उनकी जो खिदमत थी उसको वो इस तरीके से खैमा बना कर वो बेचा करते थे और अपनी खिदमत को जारी सारी रखे हुए थे। और फिर बहुत सारी कलीसियाओं को वो रिक्वेस्ट करते थे कि जी आप मेरी मदद करें ताकि मैं इस काम को, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम, गुर्बत थी और मैं समझता हूँ कि पौलुस रसूल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि खुदा ने जो उसको असाइनमेंट दी थी, काम दिया था कि तुम जाकर तो गैर कौमों में मेरे नाम को फैलाओ, इंजील की खुशखबरी फैलाओ। तो पौलुस रसूल जो है वो खैमे बनाया करता था, टेंट बनाया करता था और सेल्फ सपोर्ट मिनिस्ट्री आप इसको कह सकते हैं कि वो किसी पर बोझ नहीं बनता था और सिर्फ कलीसियाओं के काम के लिए वो लोगों को ये कहता था कि आप उनकी मदद करें कलीसियाओं की।
तो एक तो ये उसका जो बुनियादी जो मकसद था वो ये था कि वो उनकी शुक्रगुजारी करे, और कहता भी कि मैं तुम्हारे लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि मेरी कैद में और खुशबरी की जवाबदेही सबूत में तुम सब मेरे साथ उस फजल में शरीक हो। सो देवर बिहाइंड द कर्टन बट देवर वर्किंग विद पॉल। सो देर आर पीपल इन दिस सेंचुरी दोज हु आर नॉट कमिंग इन द पिक्चर बट दे आर सपोर्टिंग द मिनिस्ट्रीज, दे आर हेल्पिंग द मिनिस्ट्रीज जो कि खुदा की खिदमत कर रहे हैं लोग, उनकी वो मदद करते हैं। तो पौलुस का इस खत को जो लिखने का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि वो उन लोगों का शुक्रिया अदा कर सके। दूसरा जो मकसद था वो यकीनन तरबियत करना था, उनको सिखाना था, उनकी मदद करना था, उनको तालीम देना था, और वो खुशी मनाता है अपनी प्रोसिक्यूशन में। एंड ही वॉज गुड एग्जाम्पल फॉर द फिलिपियंस कि देखिए जी मैं कैदोबंद की सोबते बर्दाश्त कर रहा हूँ, बट ही वॉज रिजॉयसिंग इन दैट इम्प्रिजनमेंट। तो दैट वॉज अ गुड ह्यूमिलिटी, द पिक्चर ऑफ ह्यूमिलिटी, दैट वॉज अ गुड रोल मॉडल फॉर द फिलिपियंस। तो वो उनको बताता है कि दिस अ ग्रेट नीड ऑफ ह्यूमिलिटी, दिस अ ग्रेट नीड ऑफ यूनिटी। जो तीसरा इसका जो मकसद था खत लिखने का, पहला उनकी शुक्रगुजारी करना, दूसरा अपनी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए उनके लिए एक एग्जाम्पल बनना, तीसरा जो था देर वॉज अ प्रॉब्लम विद द डॉक्ट्रिन। और वो डॉक्ट्रिन क्या थी कि जो लोग उस वक्त यहूदी जो कन्वर्ट हो रहे थे, जो यहूदियत से मसीहत में आ रहे थे, वो ये कहते थे कि अगर आप मसीही बनना चाहते हैं तो ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप यहूदियत से आप मसीहत में आ सकते हैं, और जो गैर कौम से जो लोग आते थे उनके लिए कंडीशन क्या थी, उनके लिए ये था कि जी ठीक है आप अगर क्रिश्चियन होना चाहते हैं, आप मसीही होना चाहते हैं, तो पहले आप खतना करवाएं, पहले पूरी यहूदी जो एक तरीकत है उसको पूरा करें, और उसके बाद आप बपतिस्मा लें और फिर आप मसीह बन सकते हैं। पौलुस कहता है कि नाउ दिस इज नॉट द राइट वे, वी आर अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड, वी डोंट नीड टू गो फॉर द सर्कमसेशन। हमें यहूदी खतना या तरीकत को पूरा करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू अडॉप्ट दैट मेथड। अब हम खुदावन के बेटे और बेटियां हैं, वी आर ऑल इक्वल, देर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, देर इज नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वी आर ऑल वन इन क्राइस्ट। और हमने इस खत में ये देखा था कि पौलुस सारी जिंदगी यही जंग जो है वो करता रहा, और लोगों को ये कहता रहा कि हम सब खुदावन में एक हैं। ही वॉज कंडेमिंग द लीगलिस्टिक जो अप्रोच थी उसको, वो जो है वो कहता कि हम आजाद हैं, हम खुदावन के लोग हैं, हम पर फजल हुआ है, और फिलिपियो की कलीसिया में जो ये कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से भी उसने उनको ये खत जो है ये तहरीर किया। तो आगे चलकर हम इसको और भी बेहतर तौर से इसको सीखेंगे कि खुदा में शामिल होना कैसा है और उसका क्या जो तरीकाकार क्या है। तो पौलुस बुनियादी तौर पर इन चीजों को कलीसिया में युगानियत के लिए, कि चाहे आप यहूदियत से मसीहत में आए हैं या गैर कौमों से आप मसीहत में आए हैं, वी आर ऑल इक्वल, दिस इज इक्वल स्टेटस, हम उसमें सब खुदावन के बेटे और बेटियां। आजकल के दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं जी अगर आपने मसीहत को दुरुस्त तरीके से प्रैक्टिस करना है तो आप जो यहूदी ईदे हैं, जो उनका एक तरीकाकार है, उसको आप अडॉप्ट करें। और बहुत सारे लोग तो अपने नाम के साथ रबी भी लिखना पसंद करते हैं, और फिर वो जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी वो इस्तेमाल करते हैं, हिब्रू टर्मिनोलॉजी। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं जी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमें ईस्टर को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, पाकशाह के बारे में गलत तालीमात जो है वो देते हैं। तो पौलुस रसूल इन तमाम बातों को कंडेम करता है और वो कहता है कि नहीं, हमें इस तरीके की तालीम जो है वो लोगों को नहीं देनी चाहिए। और अब हम थोड़ा सा उस शहर की जानब बढ़ते हैं, सिटी ऑफ फिलिपी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा कि भी ये शहर कैसा था। ये शहर जो है ये अगरचे यूनान के बॉर्डर पर था, और वहां पर ये शहर जो है ये फिलिप्स जो था उसने इसको कायम किया, और ये शहर जो था जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो उसका जो बाप था,
मिसिडोनियन किंग फिलिप जो था सेकंड ऑफ मिसिडोनियन, ये उसके नाम पर ये शहर कायम किया गया था। एक रोमन कॉलोनी आप इसको कैसे थे वो ग्रीक, जैसे किसी वक्त में इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है वो कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तो इसी तरह ये रोमन कॉलोनी थी। और जो शख्स भी फिलिपिया में पैदा होता था, फिलिपिया में पैदा होता था उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, ना उसको पूल टैक्स देना पड़ता था, ना उसको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता था। तो इस शहर में रहना, इस शहर की अगर आप उसकी वहां की शहरियत आपकी है, अगर वहां पे पैदा होते तो देयर वाज अ ग्रेट ग्रेट एडवांटेज, आपको ये टैक्स नहीं देने पड़ते थे। और ये शहर जो था उसमें सोने की खाने भी थी, मादनियां थे उसमें, ये ट्रेड सेंटर था, बहुत रिच सिटी थी। और जैसे मैंने कहा कि ये एक गेटवे भी था एशिया और यूरोप को मिलाते हुए। तो इस शहर में जो मसीही थे, मैंने जैसे शुरू में कहा कि उसमें यहूदियों से भी जो मसीह आए थे और जो गैर कौमों से मसीह हुए थे वो सब उसमें, जिसे रोमन भी थे उसमें, यूनानी भी थे। तो ये एक शहर जो है, इसके बारे में हम ये देखते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत जो है ये शहर था, और द चर्च वॉज वेरी रिच ओवर दी, दैट्स वाई दे वर सपोर्टिंग द मिनिस्ट्री, वो इसलिए उसकी खिदमत को, पॉलिस की खिदमत को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो मैं जैसे बताया कि जो सिटीजनशिप जो थी उसके बारे में पॉलिस सुलझा, वो अपने खत में जो है वो तहरीर करता है। और देखिए फिलिपियों का 3 बाब और उसकी 20 और 21 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मगर हमारा वचन आसमान पर है और हम एक मुनजी यानी यीशु मसीह, खुदा यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है, और अपनी उस कुवत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारे पस्त हाली के बदन की चक्कर बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत बनाएगा। तो दरहकीकत पौलुस रसूल फिलिपियंस को ये कह रहा था कि यू डोंट नीड टू बी एरोगेंट, यू डोंट नीड टू फील प्राउड कि जी वी आर द सिटीजन ऑफ दिस सिटी। कहता कि बेसिकली वी आर ऑल इन ए जर्नी, हम एक पिलग्रिमेज में हैं, हम एक सफर में हैं, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉमिस सिटी, जो खुदावन का शहर है, खुदावन के पास हमने जाना है। तो वो बुनियादी तौर पर इस बात को बताता है कि हमें इस बात पर फख्र करने की जरूरत नहीं है कि जी हम जो हैं वो इस शहर के वासी हैं और हमारी जो नेशनलिटी है वो रोमन्स है। हालांकि पौलुस के पास भी रोमी शहरियत थी, और जब वो एक दफा अरेस्ट हुए, कैद में हुए गए, तो वहां पर उन्होंने बताया कि जी मैं तो रोमन्स हूँ, मेरे पास रोमन सिटीजनशिप है। तो वो लोग डर गए उन्होंने, क्योंकि रोमन्स का बड़ा इन्फ्लुएंस था। और मैं कहूँ कि यहाँ पर जो रोड बनाए गए फिलिपी के कलीसिया के इर्द गिर्द, और रोमन्स ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने रोड बड़े बनाए, और उसका फायदा क्या हुआ। देखिए हिस्ट्री को जब आप देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हर चीज का एक मकसद है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, जो ग्रीक था, उसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को फतह किया, सिर्फ वो इंडिया के जो उस बॉर्डर पर, इंडिया पर पहुंचे तो वहां से वापस आ गए और उसको वो फतह नहीं कर पाए। तो लेकिन उनके जो आसार हैं वो आज भी पाए जाते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के, जेलम तक वो पाकिस्तान का शहर है वहां भी वो गए। और आपको मालूम है कि जो कान है वहां पर, नमक की कान जो है वहां पर, उसके घोड़े जो थे वो नमक उन्होंने चखा तो वो ठीक हो गए। तो जो खेड़ा की जो कान है, जेलम के नजदीक एक जगह है खेड़ा, जहां से नमक जो है वो दरियाफ्त किया गया। तो बेसिकली अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था उसके बारे में ये कहा जाता है। तो उसकी फौज वहां पर थी, बीमार हो गए, उसके घोड़ों ने जब उस पत्थर को चाटा, नमक को चाटा, तो इस तरह उन्होंने इस नमक की कान को जो है वो दरियाफ्त किया। तो दीज आर द हिस्टोरिकल रियालिटीज। लेकिन रोमन जो थे उनका बड़ा, देखें पहले पर्शियन, फिर ग्रीक और रोमन, और फिर उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर। अब हम एक बड़े खतरनाक दौर से गुजरे हैं, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ माय स्टडी, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट देयर इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और अब हम उस एक नए इरा में दाखिल हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन। अब दुनिया जो है वो सुपड़ कर एक जो है वो मोहल्ला बन चुकी है, एक खिता जो है वो बन गई है। और यहाँ पर अब ये कोई क्वेश्चन नहीं कि जी वो ग्रीक और रोमन वाला और जो ब्रिटिश एम्पायर वाला, अब सब जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और
वक्त जो है बड़ा करीब है खुदावंद की आमद का। खैर, तो पौलुस रसूल जो है वो उनको इनकरेज करता है कि इफ यू डोंट हैव द रोमन सिटीजनशिप यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ हेवनली किंगडम। जो मसीह है, जो क्रिश्चियंस हैं, दे गॉट द ड्यूअल नेशनलिटी, ड्यूअल नेशनलिटी है ना, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तानी भी हैं, हमारे तो पाकिस्तानी नेशनलिटी भी है और ब्रिटिश नेशनलिटी भी है, जिनके पास पाकिस्तान आईडी कार्ड है आप पाकिस्तान ट्रेवल कर सकते हैं, आपके पास पाकिस्तान की शहरियत भी है और ब्रिटिश आप नेशनल भी हैं, आपके पास नेशनलिटी अगर है। तो जो मसीह है जिनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं है, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ खुदा के पाक कलाम की रोशनी में कि हमारे पास ऑलरेडी दोहरी शहरियत है। हम इस दुनिया के भी शहरी हैं, वेदर यू आर अमेरिकन और कैनेडियन और ब्रिटिश और फ्रेंच और जो भी आपकी नेशनलिटी है, लेकिन आपके पास एक आसमानी जो सिटीजनशिप है वो भी है। जब आप खुदावंद में नया मखलूक बन जाते हैं तो आपको ये नेशनलिटी जो है ये मिल जाती है, आप पर पाक रूह की जो है वो मोहर लग जाती है ना, आपके पासपोर्ट जब बोला हो आई ब्रिटिश है ना, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है जी, मैं ब्रिटिश हो गया, दैट्स वी फील प्राउड ऑफ दैट, थैंकफुल टू गॉड, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। तो ये बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि खुदावंद ने हमें ये बरकत बख्शी है। तो अगर आप अमेरिकन सिटीजन हैं या ब्रिटिश सिटीजन हैं या कैनेडियन सिटीजन हैं, यूरोपियन सिटीजन हैं, तो ये खुदावंद की मेहरबानी है, खुदावंद का फजल है। लेकिन इससे बढ़कर हम सबके लिए, चाहे आपके पास ये सिटीजनशिप नहीं है लेकिन आपके पास उस आसमानी बादशाहत की सिटीजनशिप है, आप उसके शहरी हैं। तो लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको खुदावंद में नया मखलूक बनने की जरूरत है। देखो पुरानी चीजें जाती रही, सब नहीं होगी, और हम इस खुशखबरी को, इस पैगाम को हमें लोगों तक पहुंचाना है कि हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, हमारा असली वतन जो है वो खुदावंद के पास है, जहां पर हम हमेशा हमेशा तक खुदावंद के साथ रहेंगे। तो पौलुस रसूल इस बात के लिए उन्हें इनकरेज करता है। अब मैं थोड़ा सा इसकी आउटलाइन मैं चाहता हूँ आप बना लें ताकि आपको भी आसानी हो, और आप जब इस स्टडी को मेरे साथ मिलकर करते हैं तो आपको इसके लिए और भी ज़्यादा बरकत मिले और आपके लिए आसानी हो। तो आज जैसे कि हमने इस तारफी बयान में देखा कि ये खत जो है किसने लिखा और किन को लिखा गया और कहाँ पर लिखा गया, पौलुस कैद में थे और पौलुस रसूल ने इस खत को तहरीर किया, और जिसके खत के जो रिसीव करने वाले थे वो फिलिपियंस से, और ये एक ग्रीक कॉलोनी थी, लेकिन कॉलोनी बेसिकली ये रोमन्स की थी, थे वहां पर ग्रीक, लेकिन जो असर रसूख था, जो कानून जो चलता था वहां पर, जो सिक्का जिनका कहते ना चलता था, वो रोमन्स का था, और देवर अंडर द स्वेयर इन्फ्लुएंस ऑफ द रोमन एम्पायर। तो ये जो शहर है, ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो उसका जो बाप था, जिसके बारे में मैंने बताया कि जो मेसिडोनिया उसको कहा जाता था, तो किंग फिलिप जो था सेकेंड, ये उसने इस शहर को तामीर किया था। इट वॉज वेरी प्रॉस्परस रोमन कॉलोनी, और जो मैंने बताया कि इसकी जो सिटीजनशिप थी उसके लिए लोग बड़ी स्ट्रगल करते थे। तो अगर हम इसका जो थोड़ा सा खाका जो है देने, जैसे शुरू में देखा कि अदब आदाब जो है, जो सलाम दुआ है उसको हम देखते हैं, और फिर पौलुस की जो फिलिपिया की क्लीसिया के लिए, फिलिपियंस के लिए जो दुआ है उसको हम देखते हैं कि थैंक्स गिविंग एंड प्रेयर फॉर द फिलिपियंस, और फिर जो पौलुस रसूल जो है वो अपने जो हालात हैं उनके बारे में उन्हें आगाह करते, उसके जो शख्सी जो हालात थे कि वो किन मुश्किलात में था, किस मुसीबत में था, कैद में था, उसके बारे में वो बताता है अपनी मुश्किलात के बारे में, और वो कहता है कि ये मेरे लिए अच्छा है। ये पहले चैप्टर की मैं बात आपको कर रहा हूँ कि वो अपनी जो लिविंग है, जो लाइफ है, उसके बारे में बताता है कि इस वर्दी ऑफ द गॉस्पल, मेरे लिए जिंदा रहना जो है ये मेरे लिए खुदावंद की खिदमत करना मेरे लिए, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है, मरना नफा है। तो वो कहता है कि ये मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं खुदावंद की खिदमत करूँ, और ये उसका एक मकसद था। जब हम दूसरे
बाप को देखते हैं, चैप्टर टू वर्स 1-8 उसको हम देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जो एक खुदा के खादम है उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए। और फिर पालू ससूल जो है वो अंजील के साथ जो उनकी एसोसिएशन है, जो खुदा का काम वो कर रहे थे तिमोथियुस के साथ मिलकर और बाकी जो लोग थे उनके साथ मिलकर, ब्रदर्स के साथ मिलकर, तो उसके बारे में वो हमें सिखाएंगे। फिर हम अपनी जो तीसरे बाप की जो स्टडी है उसको हम देखेंगे कि जिसमें वार्निंग है जो मैंने भी बताई थी आपको कि जो यहूदियत से जो मसीहत में आ रहे थे और जो गैर कौम से जो मसीहत में आ रहे थे उनके लिए जो खतरा था और देयर वाज अ डिवीजन अमंग ऑल दीज बिलीवर्स, तो उसको डिवीजन को उस नफाक को जो है वो कंडेम करते हैं। ही वॉज सीकिंग यूनिटी अमंग द बिलीवर्स, तो वो उसके लिए जो है वो उनसे दरख्वास्त करता है कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और हम सबको खुदावन में एक होने की जरूरत है। और फिर चौथे बाप को हम देखते हैं कि वो जो दुआ करता है उनके लिए, लोगों के लिए, और एक उसमें उसका जो कंसर्न है खुदावन की कलीसिया के लिए उसको हम देखेंगे। तो ये हमारी एक हमारी आउटलाइन रहेगी, हमारा एक खाका रहेगा। तो जरूर आप कोशिश करें, अगर आप अपना थोड़ा सा वक्त निकालें और आप इस फिलिपियों के खत को अगर आप पढ़ लें, चार चैप्टर हैं, अगर आप देखें अगर आप 10-15 मिनट भी आप निकालते हैं तो आप आसानी के साथ इस खत को आप पढ़ सकेंगे। उसका फायदा ये होगा कि जब हम इसको और ज्यादा मजीद स्टडी करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, इस वीक में मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको खत्म करूँ बाय फ्राइडे, तो आप इस खत को जरूर पढ़िए और इसमें नोट्स लें। आप अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में उसको आप तहरीर करें, आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, मैं फिर दोहराई देता हूँ, 0044771892824। इस नंबर पर आप मुझे टेक्स्ट कर दें अपना क्वेश्चन जो है, और अगर आप हमें बताएंगे कि आपको ये स्टडी कैसी लग रही है, क्योंकि पिछले दिनों जब हमने इसी खत को पढ़ा तो उसको सीखा तो बहुत ज़्यादा अच्छी फीडबैक हमें मिली और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से लोग जो हैं उन्होंने इस बात को सराहा कि हमें अपनी जुबान में, देखें इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं, बहुत ज़्यादा खुदाम के खादम हैं जो कि खुदाम का पाक कलाम सिखाते हैं, लेकिन उर्दू ज़ुबान में या हिंदी में हमारी अपनी भाषा में अपनी ज़ुबान में बहुत कम ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको हम देख सकते हैं या जिनसे सीख सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग द गॉस्पल। तो प्लीज़ आप इस माध्यम को, इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ शेयर करें। हम जो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में शायद हम इस बात की इतनी अहमियत को नहीं समझते क्योंकि हमारे पास अपने चर्चेज हैं जहां पर हम अपनी लैंग्वेज में ये बात कर सकते हैं, अपनी भाषा में हम खुदा की प्रोसेस कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द कंट्रीज वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज? डेनमार्क है, जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, हॉलैंड है, फ्रांस है, तो इन कंट्रीज में लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। वहां पर बहुत कम एशियन चर्चेज है, बिकॉज आई हैव दैट एक्सपीरियंस, आई बीन इन ऑल दीज कंट्रीज। तो छोटे छोटे जो चर्चेज हैं, फेलोशिप हैं, वो काम कर रही हैं, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ खादमों के लिए जो कि वहां पर खिदमत करते हैं। लेकिन जो लोग रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है, हॉलैंड है, बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पर, जो यूरोप में जो लोग दूर दूर रहते हैं, कैनेडा में भी ऐसे ही है, टोरंटो में, मिसागा में, वहाँ पर कुछ चर्चेज हैं, एशियन चर्चेज जो काम कर रहे हैं खासकर बिग सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। लेकिन दूसरे जो शहर हैं जैसे एडमिंटन है, वहाँ पर भी चर्च है, एशियन चर्च है। अमेरिका में भी बहुत दूर दूर लोग रहते हैं और उनके लिए चर्चेज में जाना, इबादत करना खासा मुश्किल होता है। फिलाडेल्फिया में, शिकागो में और वाशिंगटन में, वहाँ पर मुझे मालूम है कि वहाँ पर एशियन चर्चेज हैं, बिग सिटीज में, न्यूयॉर्क में, लेकिन इट्स अ बिग कंट्री। तो वहां पर जो लोग डिफरेंट जो छोटे छोटे जो फेलोशिप है उनके लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आप जरूर उनके लिए दुआ भी क्या करें। और इस खत में हम ये देखते भी हैं कि पॉलुस रसूल इसीलिए इनको अप्रिशिएट करता है फिलिपियंस को, बिकॉज दे वर वेरी मच कंसर्न अबाउट ऑल द अदर चर्चेस, दे वर सपोर्टिंग देम स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली। तो इस खत का जो मकसद है स्टडी करने का वो ये है कि वी नीड टू लर्न फ्रॉम द लाइफ स्टाइल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियन, कि वो कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्होंने कलाम को सीखा, अंजील मुकद्दस हम तक कैसे पहुंची। खुदा आपने शायद इस बात को
ना देखा हो ना सुना हो कि पॉलस रसूल ने कैद में रहकर ये खत जो है वो फिलिपियन को लिखा। शायद आपको ये मालूम ना हो कि फिलिपियंस कौन थे, कब ये खत लिखा गया, क्यों लिखा गया। आगे चलकर जब हम उसको मजीद स्टडी करेंगे तो हम उन तमाम मसाइल को भी देखेंगे और उन तमाम प्रॉब्लम को देखेंगे। Paul tried to rectify all these problems through this teaching, through this letter. So this letter is very important. ये बहुत जरूरी है इसको सीखना, इसको एक आम खत ना समझें। ये is a revelation of God, ये खुदा का मुकाशवा है, इसलिए इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। इसकी अहमियत को समझिए, इसके इंपॉर्टेंस को जानिए और आप हमारा साथ दीजिएगा, इसको सीखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये स्टडी कैसी लगती है। अगर आप इसमें, मैं कोशिश करूंगा कि स्लाइड्स भी जो है उनको तैयार कर, लेकिन ऑनेस्टली काम बहुत ज्यादा है और जो मेरे पिछले पहले जो स्टडीज होती है वो मैं वीक में एक दफा स्टडी देता था, उसमें मुझे स्लाइड्स बनाना कोई मुश्किल नहीं लगता था, लेकिन अब वो सिलसिला ऐसा हो गया कि डेली मुझे मंडे टू फ्राइडे, हालांकि मैंने सैटरडे का भी लिखा हुआ, लेकिन सैटरडे क्योंकि मैं लुटन में होता हूँ वहां पर बात करते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे ये जो स्टडीज होती हैं इनको मुझे डेली इसको तैयार करना होता है। तो स्लाइड्स थोड़ा सा एक मुश्किल काम है पावर पॉइंट पर उनको बनाना, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं कोशिश करूंगा कुछ आपके लिए ऐसा मटेरियल भी तैयार कर सकूं जिसमें आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो सके। आज मैं कोशिश कर रहा था कि फिलिपींस के बारे में आपको स्लाइड दिखा सकूं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं, आप मेरा साथ दें तो हम इसको बेहतर कर सकते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लुटन में 28 अगस्त को सुबह 11 बजे कन्वेंशन का एहतमाम किया जा रहा है। ये यूनाइटेड कन्वेंशन है, यूनाइटेड सेंस के हमारा जो चर्च है, जो हमारा हेडक्वार्टर है, हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, इसकी ये एक ब्रांच है लुटन में, यूनाइटेड मसीह फेलोशिप। तो वहां पर हम इस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप लंदन से जाना चाहते हैं तो प्लीज जरूर मुझसे रब्ता करें, क्योंकि हम कोच का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अगर आप मुझे नाम दे देंगे, अपना बता देंगे कितने लोग आप जाना चाह रहे हैं तो मैं आपके ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर सकूंगा, वहां पर आपके लिए खाने का भी इंतजाम होगा। 4 बजे ये कन्वेंशन खत्म होगी और इसमें दो सेशन होंगे, एक गॉस्पल सिंगिंग का होगा जिसमें काशिफ जैक्सन, हमारे एल्डर सुहेल दीन साहब, इमैनुअल और इसके साथ जो आमिर खोकर हैं वो होंगे और बाकी भी जो गॉस्पल सिंगर हैं वो भी आएंगे। तो आप जरूर इस कन्वेंशन में आइए। जो कलाम का जो सिलसिला है उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, पादरी गिलबर्ट डेविड जो कि वॉल्सल में है, बर्मिंगम के एरिया में एंग्लिकन मिनिस्टर हैं, वो खुदा का पाक कलाम पेश करेंगे। सो यू आर ऑल वेलकम, आप आइए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। यूथ के लिए एक खास प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया उस दिन, एक सेशन जो है उनके अलग से जो है उसका इंतजाम किया गया, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू मार्जिनलाइज अवर यूथ। और उनके लिए हमारे प्यारे दोस्त हारून खान जो हैं, स्पेशली इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर एंड ही इज ब्रिंगिंग ब्यूटीफुल टीचिंग एंड मटेरियल फॉर द यंग पीपल। सो यंग पीपल, यू डोंट नीड टू अवॉइड दिस कन्वेंशन, यू आर वेलकम टू जॉइन अस एंड यू विल एंजॉय द फेलोशिप विद अदर यूथ पीपल। तो आप आइए, हमें ज्वाइन कीजिए 28 अगस्त को फेयरले मेथोडिस्ट चर्च लुटन, वहां पर ये मेथोडिस्ट चर्च है, वहां पर ये बात होगी और मैंने डिटेल जो है वो फेसबुक पे डाली हुई है। अगर आपको मजीद भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप जरूर मुझसे रब्ता करें 00447189928 पर। तो उसमें बेडफोर्ड से, वॉल्सल से, बुस्टरशायर से, मैनचेस्टर से, लंदन से, ईस्ट लंदन से, सब जगहों से लोग आ रहे हैं। तो प्लीज आप भी आइएगा, हमने बड़ा जो वक्त है मुश्किल देखा है जब हम चर्च नहीं आ पा रहे थे कोविड की वजह से, और अभी खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम इस कन्वेंशन को कंडक्ट कर सकें। एंड द गुड न्यूज इज दिस इज द फर्स्ट यूनाइटेड कन्वेंशन इन लुटन एरिया, दिस इज अ लार्ज एशियन कम्युनिटी इन लुटन, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी इज देयर। तो मैं सब बहनों भाइयों को दावत देना चाहता हूँ कि आप जरूर आए, हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें, कन्वेंशन को भी अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे चर्च के लिए जो कि हेस्टन में है, लुटन में है, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें। हेस्टन में एवरी संडे हम 10:30 बजे इंग्लिश में बात करते हैं, 2 बजे उर्दू हिंदी में बात होती है
इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो प्लीज आप जरूर आए और हमें ये मौका दें कि हम आपके साथ खुदा के पाक कलाम को बांट सकें। और इसके साथ साथ आप बाइबल टीवी ग्लोबल को भी सपोर्ट करें, अपने हदियाजात जो हैं वो आप इस चैनल के लिए दें ताकि हम इसके काम को और ज्यादा खूबसूरत बना सकें। कल हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिलिपियों के खत का जो दूसरा भाग है, दूसरा एपिसोड है, उसको हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो जरूर हमें सुबह ज्वाइन कीजिएगा, 9 बजे सुबह हम आपसे मिलेंगे एक नए सिलसिले के साथ, एक नई स्टडी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, खुदा ने आपको बरकत दे, खुदा ने आपकी फासले की बानी करे। आइए हम खुदा के जुड़ चुके हैं और दुआ मांगे। खुदा तू मेहरबान है, तू पाक है, तू कुदूस है। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इस कलाम के लिए और ए प्यारे खुदा की सारी सच्चाइयों के लिए। खुदा दुआ करते हैं कि इस कलाम को मेरी जिंदगी में जगह दे और ए पाक खुदा आइंदा आने वाले दिनों में जब हम और ज्यादा गहरे तौर से इस कलाम को सीखते हैं तो तेरे पाक रूह की रहनमाई चाहते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम कन्वेंशन को तेरे जरूरी याद करते जो कि 28 तारीख को होने को है। खुदा उस कन्वेंशन के लिए भी से हमें तैयारी की रू दे और ए प्यारे खुदा मुझे तौफीक दे कि हम उस एरिया में जहाँ पर है खुदावन तेरे कलाम की बहुत ज्यादा जरूरत है, खुदावन वहां पर हम इस कलाम को लेकर बढ़ सकें। तमाम अबलीसी कुर्तों को तेरे यीशु नाम में बांधते हैं और दुआ करते हैं खुदावन हमारे अंदर यूनिटी की फजा को पैदा कर, हमारे अंदर उस जीवानियत की रूह को पैदा कर ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावन हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, अपने चर्चिस के लिए, खुदावन तेरी सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावन जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज्यादा है, खुदावन तुझे संभाल, बड़ी बरकत दे आज का तमाम दिन, खुदावन तुम्हारे साथ होना, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदा आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।